हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। नाइट सी सिक्स, e4 अगेंस्ट नाइट सी सिक्स लाइन हमारी अभी चल रही है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था e4 एंड e4, नाइट सी सिक्स, देन d4, e5 एंड d5, नाइट e7, देन c4। ये लाइन हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताई इसके बारे में क्या करना है। आज हम एक नया मूव वाइट की ओर से देखेंगे जिसका रिप्लाई है f4। इंस्टेड ऑफ c4, वाइट कैन प्ले f4 इन फोर्थ मूव इन दिस गेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉन टेक्स f4, बिशप टेक्स f4, ये सेंटर पोन आपको ले लेना है f4 पोन, और पूरी जो f फाइल है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बिशप f4 के बाद यहाँ आपको खेलना है नाइट टू g6, अटैक दिस बिशप। तो नाइट g6 के बाद अगर बिशप ने g3 किया तो यहाँ पे आपको खेलना है नाइट f6। अब आप इस पॉन के पर अटैक कर रहे हो, तो इसका रिप्लाई दो ही है, एक तो है पॉन टू e5 और दूसरा है बिशप d3। फिर से देखते हैं दोस्तों इसी लाइन को ताकि आपको परफेक्टली याद हो जाए। नाइट e7, देन f4, e takes f4, bishop takes f4, एंड देन नाइट g6, bishop g3। ये सारे फोर्स मूव है वाइट की और ब्लैक के। तो bishop g3 के बाद आपको खेलना है नाइट f6। अब इसके दो रिप्लाई है, एक तो है e5 और दूसरा है bishop d3। तो दोनों रिप्लाई में हम देखेंगे, पहले e5 देख लें। e5 में आपको रिप्लाई देना है क्वीन टू e7। अब ये पॉन पिन और नाइट और क्वीन दो अटैक आ गए और उसका एक ही सपोर्ट है। तो क्वीन e7 के बाद वाइट के पास बेस्ट चॉइस है नाइट f3, पॉन को एक सपोर्ट बढ़ाना। यहाँ पे आपको खेलना है qb4 चेक, नाइट d2 और फिर नाइट टेक्स। नाइट d2 बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि c3 अगर खेला तो यहाँ पे क्वीन टेक्स b2 और फिर रुक के ऊपर थ्रेट है। तो यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई होगा नाइट d2। क्वीन d2 में आप सिंप्लीफाई करके नाइट टेक्स d5 कर सकते हो। तो ये रिप्लाई है e5 का। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस पॉन को बचाने के लिए वाइट बिशप d3 भी खेल सकता है। तो bd3 में आपको रिप्लाई देना है बिशप c5। इस लाइन में ज्यादातर f फाइल अगर खुल जाती है तो bc5 बहुत ही बेस्ट चॉइस होता है। वाइट रिप्लाई देगा नाइट c3। यहाँ पे आपको खेलना है d6। अब e4 पॉसिबल नहीं है, नाइट f3 ये बेस्ट चॉइस है वाइट की ओर से। यहाँ सिंपल आपको कर देना है शॉर्ट कैसल, क्वीन e2। यहाँ वाइट शॉर्ट कैसल नहीं कर सकता, तो हो सकता है लॉन्ग कैसल का प्लानिंग कर सकता है। re8 लॉन्ग कैसल और उसके बाद bishop b4। अब ये पोजीशन भी कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में, बिशप टेक्स नाइट, देन नाइट टेक्स d5 की भी थ्रेट है आपके पास। तो इससे काफ़ी अच्छी तरह से आप ब्लैक की ओर से खेल सकते हो। nc6 में दोस्तों और भी बहुत सारे मूव्स है। अब देखेंगे d5 के बदले नाइट टेक्स, जैसे कि एक्सचेंज वेरिएशन। यहाँ पे e4, nc6, d4, e5। अब मैंने आपको दोनों वेरिएशन बता दिए, एक तो d5 वाला और d5 देन c4 वाला भी हमने देख लिया, d5 देन f4 वाला भी देख लिया। अब देखते हैं पॉन अगर एक्सचेंज करता है वाइट पॉन टेक्स पॉन तो क्या होगा। यहाँ पे सिंपल नाइट टेक्स e5 आएगा, वाइट खेलेगा नाइट f3, सेंट्रलाइज आपका जो नाइट है उससे एक्सचेंज करने का ट्राई। यहाँ एक सरप्राइज मूव है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मूव है,
क्वीन एफ सिक्स आप नाइट को प्रोटेक्ट भी करते हो और इस नाइट पे एक अटैक भी बढ़ाते हो ताकि पॉन डबल हो जाए वाइट के। अब कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं जैसे कि बिशप जी फोर, तो ये सिंपल ट्रैप होगी, नाइट एफ थ्री देन बिशप क्वीन टेक्स जी टू क्वीन टेक्स जी फाइव, मतलब किसी भी तरह से आप गेम जीत रहे हो। तो बिशप जी फाइव इस मूव में पॉसिबल नहीं है और नाइट के ऊपर जो दो अटैक है उसका परफेक्ट रिप्लाई क्या होगा? परफेक्ट रिप्लाई है बिशप ई टू, सपोर्ट करना जरूरी है। यहां बिशप बी फोर चेक, अब कितने ऑप्शन हैं? एक तो है बिशप डी टू जो बहुत ही ब्लंडर मानी जाती है, ब्लंडर कैसे मैं बताऊंगा आपको। दूसरा ऑप्शन है सी थ्री मेन ऑप्शन और तीसरा जो है एन बी डी। ये तीनों रिप्लाई हम देखेंगे बार बार, पहले से देख लेते हैं फिर से। पॉन टेक्स पॉन एक्सचेंज वेरिएशन नाइट ई फाइव नाइट एफ थ्री देन क्वीन एफ सिक्स। यहाँ पे बी जी फाइव मैंने दिखाया आपको, ब्लंडर मूव है, बेस्ट ऑप्शन है बिशप ई टू और यहाँ आप चेक दोगे तो बिशप डी टू रिप्लाई है वो भी काफी ब्लंडर है। बिशप डी टू में क्या होगा? नाइट टेक्स एफ थ्री चेक देन बिशप टेक्स एफ थ्री एंड क्वीन टेक्स बी टू और यहाँ आप पॉन भी प्लस होते हो और रुक पे थ्रेट भी देते हो, तो ये इस तरह से ब्लैक के फेवर में गेम हो जाएगी। तो बिशप डी टू नहीं खेल सकता वाइट, तो सी थ्री में क्या होगा? सी थ्री अगर व्हाइट ने खेला तो सिंपल बिशप सी फाइव कैसलिंग, यहां पे आपको खेलना है नाइट ई सेवन नाइट टेक्स ई फाइव क्वीन टेक्स ई फाइव और नाइट डी टू। अब नाइट डी टू का आइडिया क्या है? नाइट एफ थ्री, यहां पे आपको सिंपल शॉर्ट कैसल करना है। किंग एच वन, बहुत सारे गेम में किंग एच वन, ये वाइट की ओर से एक थ्रेट है कि नेक्स्ट मूव में वाइट एफ फोर करना चाहता है, अब आपको उसे पहले से स्टॉप करना है नाइट जी सिक्स से। अब एफ फोर रुक गया, यहाँ पे वाइट खेलेगा क्वीन सी टू, क्वीन सी टू आइडिया है ये पॉन जो हैंगिंग है तो नाइट वो मूव नहीं कर सकता, नाइट को फ्री करने के लिए क्वीन सी टू करने के बाद वो नाइट एफ थ्री या फिर नाइट बी थ्री खेल सकता है। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है पॉन टू डी फाइव, पॉन पे फिर से अटैक बढ़ाओ बिशप डी थ्री, वाइट रिप्लाई देगा। आप देख सकते हो कि पॉन टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स ई टू, तो यहाँ पे बिशप डी थ्री बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ सिंपल आपको खेलना है बिशप डी सिक्स, आइडिया बिहाइंड दिस मूव क्वीन एच टू चेकमेट। तो गेम की वीकनेस यहाँ से शुरू हो जाएगी, एफ फोर भी पॉसिबल नहीं है और जी थ्री करेगा तो यहाँ पे बहुत ही गेम वीक हो जाएगी। चलिए अब एन बी डी टू का रिप्लाई देखते हैं, सी थ्री के बजाय वाइट यहाँ पे एन बी डी टू कर सकता है चेक में नाइट बी डी टू, ये थोड़ा पैसिव मूव है, यहाँ सिंपल आप डेवलप कर सकते हो नाइट ई सेवन, वाइट उसके बाद अगर सी फाइव खेलता है तो बिशप सी फाइव और उसके बाद अगर बी फोर किया तो ब्लंडर मूव है क्योंकि बी फोर में बिशप टेक्स बी फोर और पॉन टेक्स, अगर बिशप लिया तो नाइट एफ थ्री देन क्वीन टेक्स ए वन सिंपल आपको दिखाई देगा और यहाँ वाइट बेस्ट ऑप्शन है क्वीन बी थ्री और यहाँ पे फिर से आप सेक्रीफाइस दे सकते हो बिशप टेक्स सी थ्री क्वीन टेक्स सी थ्री देन नाइट एफ थ्री देन क्वीन एफ थ्री देन क्वीन टेक्स ए वन, ये भी क्लियर है दोस्तों। तो बी फोर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बी फोर के बदले वाइट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कैसल कर सकता है, कैसल में आपको सिंपल डी सिक्स करना है और यहाँ नाइट बी थ्री आपके बिशप पे अटैक, सिंपल बिशप को एक स्टेप वापस ले लो बी बी सिक्स और ये डायगोनल कंट्रोल में रखना है। किंग एच वन
आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट टेक्स e5 देन f4। तो किंग h1 के रिप्लाई में सिंपल नाइट एक्सचेंज करना है आपको, ताकि f4 अभी भी स्टॉप हो जाए। आफ्टर बिशप टेक्स f3 सिंपल कैसल कर दो, आपको दो मूव ज़्यादा मिलेंगे गेम खेलने के लिए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया टेक्निक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी वेरिएशन में दिखाऊंगा आपको, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखें। वन बाय वन पूरी सीरीज आपको बताऊंगा नाइट c6 वाली। तो पहले e4 देन नाइट c6, बहुत मजा आएगा। ये ओपनिंग तैयार करने के बाद आप कंप्लीटली फ्री खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग वेरिएशन है नाइट c6 के बारे में, वो आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें, हर 2 दिन में मेरा एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।